ए गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं डायरेक्ट चेंबू स्टेशन से ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने मेरी बाइक पीछे पार्क की है एंड आगे चेंबू स्टेशन है, वापस जा रहा हूँ मैं। आज मैं बाइक से जा रहा हूँ चेंबू स्टेशन से सीएससी जाऊँगा, जहाँ पे मेरा दोस्त मिलेगा मुझे और उसके बाद हम अपना जर्नी शुरू करेंगे। और टाइटल में तो आपने देख लिया होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, इट्स एलिफेंटा जहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ। तो चलो अभी डायरेक्ट स्टेशन पर चलते हैं। इंडियन रेल व्यवस्था मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी है, इतनी सारी पब्लिक है पीछे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ दो टिकट काउंटर खुले रखना, पता नहीं गवर्नमेंट को पब्लिक का टाइम वेस्ट करके क्या अच्छा लगता है। वो जो है वो यूनेस्को की वहाँ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इससे पहले
पहले चिंचोड़िया टर्मिनल यूज कहते थे, बट फिर उसके बाद में इसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया। अरे यार देखो होगा ये लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट ही बहुत से पहले वाले वीडियो में जब मैंने फोन कैमरा बात भी बताया था, जब मैंने अपना सबसे पहला माइक लेने के लिए गया था, आज फिर से मैं वहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली एलिफेंटा के लिए यहाँ पे जाना होता है, गेट ऑफ इंडिया के अंदर जाना होता है, बहुत भाई यहाँ पे लोगों को जल्दी जाने की। मेरे दोस्त का जो मेमोरी कार्ड घूम गया है, वो घूम नहीं गया मतलब लाया नहीं है, तो अभी वो मेमोरी कार्ड लेने के लिए जाना है। ये जो आपको दिख रहा है ये गेट ऑफ इंडिया, और सॉरी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बीटी है, यहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी होती है और यहाँ से सीधा अगर आप यहाँ पे आगे जाओगे गेट ऑफ इंडिया आ जाएगा। इट्स हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स। टैक्सी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये देने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सो राइट नाउ अभी टैक्सी बैठा है। हाँ बैठा है, दिख रहा है। अभी हम चलते चलते बहुत आगे तक पहुँच गए, लाइक अभी कैसा है ना कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि टैक्सी लूँ या ना लूँ, बिकॉज यहाँ से बस थोड़ा सी है गेट ऑफ इंडिया, बट एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज अगर यहाँ से चलते हुए गेट ऑफ इंडिया जाएंगे ना तो कैसा फिर जब एलिफेंटा जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, तो ऐसी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, लाइक थोड़े थोड़े में हमें बचाना है। ये रुपेश पिएगा, ये गन्ने का जूस पिएगा, चल अरे जूस पी लेते ना। गेट ऑफ इंडिया साइड में। फाइनली टैक्सी मिल गई जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। चल आजा। गेट ऑफ इंडिया फटाफट अंकल, जैसे ही कैमरा ऑन करके दो टैक्सी वाले को आवाज दिया तो सहगल अंकल दूसरे टैक्सी वाले थे जो फट से रुक गए। जब दो ब्लॉगर होते हैं ना तो कैसा है ना एक दूसरे के साथ थोड़ा ब्लॉग होते हैं वो हो जाता है भारी हो जाएगा कि खुद का ब्लॉग करेंगे, और स्पेशली जब एक कार के अंदर होता है तो दोनों की आवाज़ बहुत टकराती है, ज़्यादा मजा नहीं आता। तो राइट नाउ वी आर एट गेट ऑफ इंडिया, अभी जस्ट हम पहुँचे हैं। मैंने अभी आपको टिकट मीटर का रेट बताया, वीटी से यहाँ तक आने का सिर्फ 30 रुपये लगता है, एंड अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो 30 और 40 रुपये के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। और ये सामने है गेट ऑफ इंडिया, अभी तो नहीं दिखेगा वो क्योंकि एंट्रेंस है यहाँ का। तो हम गेट ऑफ इंडिया तो पहुंच गए, अभी टिकट घर जो है
अभी जो टिकट घर है वो साइड पे है, आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मैं दिखा दूंगा मेरे ब्लॉग के आने वाले सीन के अंदर। यहाँ से हमें जाना है कि एलिफेंटा केव, तो लेट्स गो। एंड पता नहीं रूपेश अभी तक किधर है किधर नहीं है, उसकी जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं। टिकट जस्ट मेरे पीछे ही, जैसे हम फेरी की टिकट बुक करते हैं। एंड मैं अभी जस्ट रूपेश के लिए रुका हूँ, रूपेश भी अभी वो सामने से आ रहा है, उसको पता नहीं है कि सामने से नहीं आना है, आना यहाँ से है। लेट्स सी, नहीं यार सामने से आ सकता है, आई थिंक मैं ही रॉन्ग था। वो जस्ट आपको दिख रहा होगा ये सामने से आ रहा है। एंड अभी यही उससे पूछ रहा हूँ कि एक इकोनॉमिक क्लास है जो 150 रुपये की आती है, और एक थोड़ी लग्जरी है जो आती है 230 रुपये की, तो किसमें जाना है, इकोनॉमिक में जाना है या लग्जरी में जाना है? इकोनॉमिक क्लास में जाना है 150 रुपये टिकट में, के लग्जरी क्लास में जाना है 230 रुपये टिकट में। लग्जरी में क्या रहेगा मेरे को नहीं मालूम, वहाँ पे बस लिखा है लग्जरी करके, अभी जब जाएंगे तो पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देख इकोनॉमिक क्लास में मैं पहले ट्राई किया हूँ, तो चल लग्जरी क्लास में जाते हैं, क्या बोलते हैं कितना? हाँ इकोनॉमिक एक नॉर्मल बोट रहेगी और लकड़ी का वो रहेगा। हाँ 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 वही तो, चल देखते पूछते टिकट घर में पूछते तो है। आ जा, यहाँ पे आपको हर जगह पे कलर फोटोज खींचने वाले मिल जाएंगे, मुंबई दर्शन वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुरंत फोटो आपको देंगे। बट इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आपको अपने मोबाइल कैमरे से अच्छी फ़ोटो आती है बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो ज़रूरत नहीं है इनकी। बट अगर आपको अब भी यहाँ पे तुरंत एक फ़ोटो चाहिए, अंकल कितना रुपया? अंकल सबको मालूम है कि मैं निकालने नहीं वाला हूँ, कोई भाव नहीं है। और यहाँ पे कोई तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल नहीं कोई तो फंक्शन है, पता नहीं क्या है, लेकिन अपने को अपना डेस्टिनेशन तो एलिफेंटा है, तो अपन एलिफेंटा ही जाएंगे। दे जा 300 रुपये को, दिस इज रिटर्न टिकट फॉर एलिफेंटा 2। पैसा दे, पैसा दिया, बोर्ड सामने इधर 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 से बोर्ड है, देख इधर वो बंद करना। हाँ कितना है? 44 नाम दे चल, चला जाए। सो बोर्ड अभी जस्ट निकलने वाली है, फटाफट फटाफट भागना पड़ेगा, सामने बोर्ड है हमारी। चल 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 चल, हाँ मेरे पास है, अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ। हाँ तो इससे तो इससे तो बोलते हैं वो बड़ी बोटी, आपको लगा कि बड़ी बोट में बैठ के अंडे देके गए, अभी तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है। क्या बोलता है ये कभी डूब गए ना तो तेरे काम आएगी।